तो यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारे पास विंडोज 10 की सेटिंग्स हमारे सामने लोड हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ से विंडोज में जाते हैं और सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने सेटिंग्स आपके सामने लोड हो जाएंगी। अब ये सेटिंग्स क्या हैं बेसिकली, ये जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स होती हैं उसी तरह की सेटिंग्स हैं। और इनको आपको समझाने का मकसद यह है क्या है कि भाई आप विंडोज़ 10 को और बेहतर तरीके से समझ सकें, ताकि ये विंडोज़ 10 आपको कभी भी किसी भी मोड पर आपको यूज़ करना हो तो बेहतर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकें। सबसे पहला इसके अंदर एक ऑप्शन है नोटिफिकेशन एंड एक्शंस का। जैसे हमारे स्मार्टफोन के अंदर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं डिफरेंट ऐप्स के और डिफरेंट चीज़ों के, इसमें भी डिफरेंट नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑप्शंस ऑन होते हैं, मतलब यहाँ पर इधर इधर और ये भी ऑन होता है। तो हमें इन सारी ऐप्स के नोटिफिकेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में आते रहेंगे जैसे आते हैं। गूगल क्रोम का नोटिफिकेशन, ऑडियो का नोटिफिकेशन, अगर आप चाहें तो वन बाय वन करके इन ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये नोटिफिकेशन मुझे नहीं आए, बिट लॉकर का या स्निप एंड स्केच का या इस इनपुट स्विच नोटिफिकेशन का, इसका नोटिफिकेशन ना आए या बैकअप सेटिंग का नोटिफिकेशन ना आए या फाइल एक्सप्लोरर का नोटिफिकेशन ना आए, तो इन नोटिफिकेशंस को आप जो है वन बाय वन करके भी ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन ना आए तो आप उस नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑफ कर देंगे, इसके बाद सारे नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगे और कोई भी ऐप का नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। इसके अलावा सजेस्ट मी वेज आई कैन फिनिश सेटिंग्स ऑफ माई डिवाइस, अगर आप ये भी नोटिफिकेशन नहीं चाहते सजेशंस के तौर पे, तो इसको भी यहाँ से ऑफ कर दीजिए। ये सारे नोटिफिकेशंस आपने ऑफ कर दिए, अब आपको विंडोज़ में किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जैसे किसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं तो इनको ऑफ करने के बाद वो नोटिफिकेशन उसको नज़र नहीं आएंगे। फिर हम आते हैं आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसमें डिस्प्ले का। जैसे ही डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, अच्छा पहले हमने ये वाला कर लिया ज़रा, ठीक है ना, तो अब चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले में क्या है, ये आपके सिस्टम का डिस्प्ले है जिसमें आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर से हम ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो LCD एक्सटर्नल कनेक्टेड है इसकी ब्राइटनेस कम नहीं होगी, जो आपके लैपटॉप की या डेस्कटॉप की पर्सनल LCD होगी उसकी ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। जैसे मेरे लैपटॉप में अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप की ब्राइटनेस देखें कम हो रही है और यहाँ से नहीं हो रही, ये एक्सटर्नल कनेक्टेड है इसलिए इसकी ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रही। सिमिलरली अगर यहाँ पे नाइट लाइट ऑफ अंटिल 9 PM इसको अगर ऑन कर देंगे, तो जैसे ही रात के 9 बजने के बाद आप नोट करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन या डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो थोड़ी हल्की हो जाएगी, मतलब लाइटिंग इफेक्ट्स उसके कम हो जाएंगे, जिससे हमारी आंखों में स्नॉर्चिंग कम होने लगेगी। यहाँ से हम स्लाइड नाइट लाइट ऑफ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर ये नाइट मोड रात को एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन ये एक्टिवेट होगा 9 PM पे। इसकी मजीद सेटिंग्स के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, इसको अभी से ही टर्न ऑन कर देंगे तो ये देखें जैसे मेरी स्क्रीन, आप देखें इस स्क्रीन को देखें, लैपटॉप की और LCD की स्क्रीन देखें कितनी ब्राइट है और ये कितनी डार्क है, ऐसा हो जाएगा रात में। और अगर इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे तो ये और डार्क होकर ऐसा रेड हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ के मुताबिक इसको कहाँ पर रखना है वहाँ पर इसको सेट कर लें, और फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। शेड्यूल इसका ऑन है तो ये रात को 9 बजे का टाइम यहाँ से सेट किया गया है, ठीक है ना, 9 AM और 7 AM के दरमियान का। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, ये AM PM में कन्वर्ट हो जाए और 7 AM मतलब सुबह के 7 बजे भी ऑन रहे। शेड्यूल यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, शेड्यूल को ऑन करके टाइमिंग को रीसेट भी कर सकते हैं। आप 9 नहीं 10 चाहते हैं, यहाँ पे 10 बजे का सेट कर दें, ऑफ कर दें, बैक कर दें यहाँ से। अच्छा, उसके बाद विंडोज़ HD कलर सेटिंग्स हैं ये तो वैसे ही रहेंगी, इनको नहीं चेंज करेंगे। हाँ, स्केल एंड लेआउट को हम ज़रा समझ लेते हैं। अच्छा, अभी देखिए, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो फॉन्ट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है और जो यहाँ पर आइकन्स नज़र आ रहे हैं, उनको एक दफ़ा ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं और इसका जो डिस्प्ले स्केल है उसको मैं थोड़ा 100% से बढ़ा के 125% पर सेट करता हूँ। तो जैसे ही 125% पर इसको सेट करूँगा तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड हो जाएंगी और आपको अब पहले से बड़ी नज़र आ रही होंगी। और ज़्यादा बड़ी करना चाहेंगे तो फिर यहाँ से क्लिक करके 150% पर चले जाएंगे, तो 150% पे ये और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगी, मतलब और ज़्यादा लार्ज नज़र आने लगेंगी। ऐसा हम किस लिए कर रहे होते हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें अगर अपनी स्क्रीन का फोकस सेट करना है और हम अपने हिसाब से चाहते हैं तो यहाँ से उस सेटिंग्स को चेंज करके कर सकते हैं। एडिशनल स्केलिंग सेटिंग्स में जैसे ये कह रहा है कि 100 to 500 के दरमियान में है, इंटर कस्टम स्केलिंग बिटवीन 100% एंड 500%।
जैसे हमारे पास चॉइस है 100% की है, 125% की है, 150% की है। यहाँ पर क्लिक करके हम उस चॉइस का इन बिटवीन भी कुछ ले सकते हैं, मतलब जैसे 100 और 115 ले लेते हैं हम यहाँ पर और अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से अब 115 स्केल जो है वो अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे परसेंट का साइन भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बैक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स के जो हैं मामला वो 115 115% पे अप्लाई हो जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो फिर हम वही दोबारा से 100% या फिर 125% या फिर 150% के ऊपर हम इसको स्टे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है फिर आता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन का। डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या होता है, यानी कि जो हमारी स्क्रीन जो फॉर्म हो रही है बन रही है ये कितने पिक्सल से मिलकर बने। यहाँ पर मकसद कहने का ये है कि देखिए जो स्क्रीन हमारी बन रही है छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बन रही है, और इसके अंदर एक लाइन के अंदर तकरीबन कितने पिक्सल्स आ रहे हैं, 1600 पिक्सल, यानी कि 1600 छोटे छोटे पॉइंट मिलके इस तरह से ये एक लाइन क्रिएट करते हैं और 900 पिक्सल इस तरह से फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे होती है 25, ऐसे 25 रोज होती हैं और इस तरह से 1 2 3 करके 80 कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये 1600 पॉइंट्स मिलकर इस तरह से और 900 पॉइंट मिलके इस तरह से हर एक रो और एक कॉलम में मिलके ये स्क्रीन को फॉर्म कर रहे हैं। अब आप इसकी रेजोल्यूशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करके वो कह रहा है पहले इसको सेट करो, इसको 100 ही कर देते हैं पहले। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें ये मुख्तलिफ स्क्रीन रेजोल्यूशन बता रहा है। ये स्क्रीन रेजोल्यूशन हर एलसीडी के एतबार से एडजस्ट की जा सकती है। जैसे 15 इंच की एलसीडी है तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन उसके लिए बेस्ट है, 17 इंच की है तो ये बेस्ट है, 19 और 20, फिर 22, 24, ये इस तरह से जाके मुख्तलिफ एलसीडीज के हिसाब से रेजोल्यूशन में इसको फॉर्म करेगा स्क्रीन। अगर मैं सबसे लोअर यहाँ पे ले जाता हूँ तो आप देखिएगा हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आएगी अब। ठीक है ना, अब उसमें एडजस्टमेंट में मसला होगा, हर चीज इतनी बड़ी बड़ी नजर आ रही होगी कि हमें थोड़ा सा इसको देखने करने में एडजस्टमेंट में आगे प्रॉब्लम होता है। तो हम इसको रेजोल्यूशन अपनी एलसीडी के मुताबिक जितने मैक्सिमम लेवल पर सेट करना चाहें उतने मैक्सिमम लेवल पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। देखिए हमारी जो स्क्रीन आपको सामने दिख रही है रखी हुई, ये एक रेक्टेंगल की सूरत में है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेफ्ट और राइट के जो बॉर्डर होंगे वो इक्वल होंगे और टॉप और बॉटम के बॉर्डर इक्वल होंगे, क्योंकि अगर चारों बॉर्डर इक्वल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर, पर ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है। इसमें जो टॉप और बॉटम वाले बॉर्डर होगा वो साइज में ज्यादा होंगे लेफ्ट और राइट वाले से। तो इस तरह की स्क्रीन को हम कहते हैं वाइड स्क्रीन। क्या कहते हैं? वाइड स्क्रीन। अब वाइड स्क्रीन तो हम इसे कह रहे हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है, यानी कि हाइट कम है। इसी तरह कुछ एलसीडीज ऐसी बनाई जाती हैं, कुछ शॉपिंग मॉल्स में, डोमिनोज में या पिज्जा हट पर आप जाएंगे वो इस तरह से हाइट में ज्यादा होंगी और विड्थ में कम होंगी, मतलब जैसे कि वो इस तरह से होंगी, ये इस तरह से है लैंडस्केप में, वो इस तरह से होंगी। तो उस तरह से अगर आपके पास कोई स्क्रीन है तो उसको आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करके उसको आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट करेंगे तो ये देखें इसका स्क्रीन ऐसे हो गया। अब आप सोचेंगे सर इसको तो हम क्या ऐसे देखेंगे? नहीं, अब देखिए मैं अपने लैपटॉप को यहाँ से ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ये मैंने इसको इस मोड में कन्वर्ट कर लिया, सही है, और अब मैं इसको इजीली ऐसे चला सकता हूँ। ओहो, वहां से कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, और अब मैं इजीली अपने लैपटॉप को इस तरह स्क्रीन पे भी तो यूज कर सकता हूँ। बेटा वो स्क्रीन ऐसे रखी हुई है ना, तो दो ये दिखा रहा हूँ तुझे, यहाँ पे दोनों देखना, यहाँ पर देखो और वहां पर देखो, ठीक है ना। हाँ, उस स्क्रीन को भी हम वॉल पर ऐसे इंस्टॉल कर देंगे तो ये हमें ऐसे नजर आएगी, समझ रहे बात को? तो ये फीचर जी छोटी नहीं हो गई स्क्रीन, जो पहले लैंडस्केप थी
वो अब इसको स्क्रीन को हमें ऐसे करना पड़ेगा तो हमें वैसे नजर आएगी, ऐसे ज्यादा एडजस्ट होगी। तो मैंने अब लैपटॉप को जब यूज कर रहा हूँ तो देखो मुझे सही लग रहा है ना इसके ऊपर यूज करना, ठीक है। और अगर दोबारा से मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से लैंडस्केप भी कर सकता हूँ, तो दोबारा से मेरा जो मोड है वो इस तरह का हो जाएगा और मैं अपने लैपटॉप को दोबारा से इस तरह रख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सटेंडेड डिस्प्ले में आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसा आप कब कर सकते हैं, जैसे कोई नोट्स पढ़ रहे हैं आप जिसमें लंबे लंबे पेजेस हैं और वो आपको बार बार, अभी बाजू का मैं डॉक्यूमेंट बना रहा होता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट इस तरह ज्यादा हो रहा होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे देखें ना उस दिन वर्ड, कल शायद कल या परसों वर्डपैड पे काम कर रहे थे, वर्डपैड, हाँ, तो ये देखिए वर्डपैड की स्क्रीन जो है हमें ऐसे ज्यादा कम नजर आ रही है ना, लेकिन अगर ये इस तरह से करें तो पूरा पेज आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये इसके लिए हमारे पास ये फीचर मौजूद है, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लिप क्या है? फ्लिप का मतलब होता है कि जैसे मेरी स्क्रीन में लेफ्ट लेफ्ट पे नजर आ रहा है, राइट राइट पे नजर आ रहा है, अब मैं इसको कर देता हूँ फ्लिप, अब उल्टा हो गया, ठीक है ना। कभी ऐसी सिचुएशन आए आपको, अब ये एलसीडी को मैं ऐसे घुमाएंगे तो हमें सही नजर आने लग जाएगा, यानी कि मैं अपने लैपटॉप को कुछ इस तरह से करूंगा ऐसे, तो अभी सीधा हो गया तो फिर ये मुझे सही नजर आने लग जाता। तो ये इस तरह के मामला थे कि हम अपनी स्क्रीन को किस तरह से फ्लिप करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कौन सा? तो बता मंजीत, ये मेरी बात तो नहीं समझ रहा। अभी तो लैपटॉप को करके दिखाया उल्टा। हाँ, फ्लिप मतलब ये जो जिस तरह जिस एंगल में ऐसे रखा हुआ है ना, फ्लिप करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। मतलब वो आते हैं ना 360 लैपटॉप या टैबलेट जो आते हैं, उनको हम जब ऐसे निकाल लेते हैं अलग से तो उसको तो हम ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं ना, तो फ्लिप वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है उसके अंदर। बात समझ में आई? फ्लिप वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा उसके अंदर। मतलब अगर किसी ने जैसे लैपटॉप ऐसे था, उसको टैबलेट को ऐसे घुमा दिया, तो फ्लिप उसको स्क्रीन को सेट कर देगा, मोबाइल पर फ्लिप हो रहा होता है, इस वजह से ये फीचर दिया है, ठीक है। दूसरा आता है, फिर नीचे आ जाते हैं, कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले। अब जैसे मैंने अपनी ये वाली बड़ी एलसीडी को कनेक्ट किया हुआ इसके साथ, वायरलेस डिस्प्ले के साथ। कैसे कनेक्ट किया? पहले मैंने इसका मीरा कास्ट नाम का एक जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ जाके कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले पे क्लिक किया है। चूंकि ये मेरा एंड्रॉयड एलईडी है तो इसने अपना स्टेटस यहाँ पे शो किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही शो करेगा तो अभी यहाँ डिस्कनेक्ट बता रहा है, तो जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो ये मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ये देखिए। और ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर कनेक्शन, तो दोबारा से मैं इस पर क्लिक करके और इसको करूंगा कनेक्ट, तो ये दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा, सही है। लेकिन ये कनेक्शन बनेगा उस एलसीडी के साथ जिसमें वायरलेस स्क्रीन कास्ट का फीचर होगा, और ये आता है स्मार्ट एलईडीज के अंदर मोस्टली, ठीक है। तो उसको इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं मोबाइल से अपना मोबाइल स्क्रीन पे शो करना चाहता हूँ तो वही स्क्रीन कास्ट खोलूंगा और मोबाइल से कनेक्ट टू डिस्प्ले करके मैं उसके साथ इसको कनेक्ट कर लूंगा, तो मेरा मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर इसमें कनेक्शन के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ कि जो स्क्रीन मेरी यहाँ नजर आ रही है वही आपको यहाँ पे नजर आए, ऐसा हो रहा है? जो मैं यहाँ माउस हिला रहा हूँ वहाँ नजर आ रहा है आपको? दूसरा है एक्सटेंडेड। अब देखिए ये बड़ा काम का फीचर है, जैसे ही मैं ये फीचर लूंगा ना एक्सटेंडेड, तो मेरी स्क्रीन, ये स्क्रीन और ये स्क्रीन मिलकर एक स्क्रीन बना देंगे। देखिए कैसे, ये देखिए, जैसे ही मैंने करा यहाँ पे एक्सटेंडेड तो कीप चेंजेस, अब आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है और मेरे लैपटॉप पे जो स्क्रीन आ रही है वो अलग अलग हो गई, सही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो आपको वहां नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। अब देखें मैं वहां अपना माउस कैसे लेकर आऊंगा, ये मैं गया यहाँ से और ये आ गया। अब यहाँ पे जो मैं एक्टिविटी करूंगा वो मैं यहाँ अपने लैपटॉप पे नहीं देख सकता, देख रहे हैं? मतलब ड्यूल डेस्कटॉप जैसा कंसेप्ट आ गया आपके पास, कि भाई यहाँ पर आप कुछ और खोल के लगा दें जो भी काम देख रहे हैं कर रहे हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कोई एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ जिसको मैं यहाँ से फॉलो कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं उसको, अब देखो दोबारा अपना माउस यहाँ से लाया और यहाँ पर आ गया,
यहां पर मैं देखता जाऊं, यहां पर मैं करता जाऊं, सही है, या यहां पर आपको कोई टास्क लगा दिया, आप वो देख रहे हैं कर रहे हैं, और मैं अपना काम यहां पे इजीली करता रहूं। हिलाकर नहीं पी थी आज, या आधा चम्मच लिया है, पूरा नहीं लिया? तो सारे कंप्यूटर से तो मकसद कहने का बेटा, जो जो हमारे लैपटॉप के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा हार्डवेयर, वो सारा ही उधर यूज होगा, बस ये स्क्रीन डिवाइड हो गई ना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, एक ही लैपटॉप है हमारा, ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको दोबारा से आ जाता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, अब अगला ऑप्शन है इसके अंदर, डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डुप्लीकेट में अब मैं क्या करने लगा हूं कि यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है शो ओनली वन। जैसे शो ओनली वन करूंगा तो ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, रिवर्ट कर दिया मैंने इसको दोबारा से, और रिकनेक्ट कर दिया इसको मैंने अपने पास से, दोबारा से डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद कह रहा है शो ओनली टू, ओनली टू का मतलब है मेरा ये वाला स्क्रीन ऑफ हो जाएगा और मेरा सिर्फ वही स्क्रीन ऑन रहेगा। समझ में आ गई बात ये? तो इस तरह आप अपनी एक एक्सटेंडेड एंड्रॉइड टीवी से अपने मोबाइल को और अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएं एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आ जाएं। इसमें हमें कोई इतना खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें ये मिल जाता है कि हमारे डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन क्या है, एक्टिव असाइनमेंट क्या है, बिट डेप्थ क्या है, वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं हमारे पास जो अगला ऑप्शन आ रहा है, ग्राफिक सेटिंग्स में भी डेस्कटॉप एप्स पे रख रहे या माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर पे, चूज द एन ऐप टू, ठीक है। यहाँ पे दो किस्म की एप्स हैं, हमारे विंडोज 10 में दो किस्म की एप्स होती हैं। एक ऐप वो जो हमारा डेस्कटॉप ऐप कह रहा है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, और एक ऐप्स होती हैं जैसे हमारे एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर होता है, ऐसे विंडोज 10 और 11 के अंदर होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसको भी सीखेंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर भी कुछ ऐप्स होती हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ पैड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। जैसे आप इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर कैपकट की ऐप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐप कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये दो चीज़ें क्यों दे दी, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मोबाइल में तो सिर्फ प्ले स्टोर होता है और उसमें ऐप्स होती हैं, फिर इसमें डेस्कटॉप ऐप भी दे दी और फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की ऐप भी दे दी, क्या ज़रूरत थी? कोई जवाब देगा इसका? कोई भी नहीं जवाब। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया है वो सिर्फ टैबलेट स्मार्टफोन के लिए है और वो उस पर ही रन होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 और विंडोज 11 जो डिजाइन किए गए हैं ड्यूल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये डेस्कटॉप लैपटॉप पर भी इंस्टॉल हो जाएंगे और इसके अलावा स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट LED, स्मार्ट वॉच पे भी इंस्टॉल हो सकते हैं। तो जब स्मार्ट LED, स्मार्टफोन, स्मार्ट टैबलेट पर ये इंस्टॉल होंगे तो इसका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम करेगा, डेस्कटॉप ऐप आप उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब ये डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, लैपटॉप कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा तो आप इसमें दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, चाहे तो डेस्कटॉप ऐप इस्तेमाल कर लें। डेस्कटॉप ऐप कंप्यूटर पे चलने वाली और जो माइक्रोसॉफ्ट ऐप है वो सिर्फ चलेंगी स्मार्टफोन पर, टैबलेट पर, डेस्कटॉप पर भी चल जाएंगी और लैपटॉप पे भी चल जाएंगी, पर वो कैटेगरीज अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप प्रीफेरेंस देना चाहते हैं, तरजीह देना चाहते हैं डेस्कटॉप ऐप को तो उसको रखें, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करने वाली ऐप को प्रीफेरेंस देना चाहते हैं तो उसको टॉप पे रख लें, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, बता भी रहा है, चूज बिटवीन बेटर परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ व्हेन यूजिंग एन ऐप, यू माइट नीड टू रीस्टार्ट द ऐप ऑफ योर चेंजेस टू टेक इफेक्ट, एक दफा आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी डिस्प्ले की सेटिंग्स जो हमने यहाँ पर अपनी कंप्लीट कर ली। इसके नीचे आते हैं, हमारे पास है साउंड्स की सेटिंग्स। इसमें इतना कुछ नहीं है, बस इतना समझ लें साउंड का एक स्पीकर यहाँ भी बना हुआ आ रहा होता है और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का ओवरऑल कंप्यूटर का सिस्टम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे लैपटॉप पर कुछ बटन्स भी दिए हुए होते हैं, यहाँ पर देखें माइनस प्लस के कुछ बटन दिए हुए हैं जिससे ये देखें ओवरऑल वॉल्यूम मैं अपने लैपटॉप के शॉर्टकट बटन से कम भी कर रहा हूँ। कुछ लैपटॉप के यहाँ टॉप पे दिए हुए होते हैं, कुछ लैपटॉप के यहाँ दिए हुए होते हैं, कुछ के यहाँ दिए हुए होते हैं, कुछ के इन बटन्स में होते हैं, वो आप देख सकते हैं डिफरेंट मॉडल के एतबार से,
इसमें सिर्फ इतना ही है समझने के। अच्छा माइक्रोफोन भी बता रहा है, देखिए स्पीकर भी माइक्रोफोन भी बता रहा है कि आपका माइक्रोफोन भी कनेक्ट है, अगर उसको चाहें टेस्ट वगैरह करना तो यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल हमारा माइक्रोफोन वैसे ही सही काम कर रहा है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तीसरा नोटिफिकेशंस को भी हमने भी समझ लिया था पहले में। चौथा फोकस असिस्टेंट को भी हम समझ लेते हैं, फोकस असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट जो फोकस में यूज होने वाला है। इसका मतलब क्या है, फोकस असिस्टेंट से मतलब ये है कि यूजुअली ये सब प्रायोरिटी ओनली पे रखे हुए होते हैं और यहाँ पे कुछ ये ऑन भी होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा होता है, देखिए आपने नोटिफिकेशन सारे बंद कर दिए, यहां पर से आपने चेक कर लिए सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए, पर फोकस असिस्टेंट से फिर भी आप कुछ प्रायोरिटीज ले सकते हैं। लेट्स सपोज आप सारे नोटिफिकेशन ही ऑफ करना चाहते हैं जिसमें कॉन्टेक्ट ऐप के नोटिफिकेशन भी ऑफ हो जाएं, तो आप ये ले लें। आप प्रायोरिटी ओनली पे चाहते हैं, नहीं कस्टमाइज कर लूंगी मैं या कर लूंगा, तो मैं इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन दिखा दे, रिमाइंडर का नोटिफिकेशन दिखा दे, शो नोटिफिकेशन पिंड कॉन्टेक्ट का नोटिफिकेशन दिखा दे, ये कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से अलार्म्स ओनली पे रख लें, सिर्फ अलार्म का नोटिफिकेशन दिखा दे, और दोनों ही नहीं तो फिर यहाँ से सबको ऑफ कर दें। फिर ऑटोमेटिक रूल्स में जाके ड्यूरिंग दीज टाइम्स इन टाइमिंग के दरमियान में नोटिफिकेशन को ऑन भी किया जा सकता है यहाँ से, और अगर इसको भी ऑफ कर देंगे तो अब वो भी ऑन नहीं होंगे। और जब हम अपनी स्क्रीन को डुप्लीकेट कर रहे होते हैं तो ये हमें नोटिफिकेशन दे, तो हमने कहा नहीं। और जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो गेम खोलने के दौरान भी हमें नोटिफिकेशन दे, हमने कहा नहीं। और जब मैं ऐप इन फुल स्क्रीन मोड पे देख रहा होता हूँ तो ये हमें नोटिफिकेशन फुल स्क्रीन मोड का दे या नहीं, तो ये भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, नहीं। शो मी अ समरी व्हेन आई मिस व्हाइल फोकस असिस्ट वाज ऑन, और फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक समरी दिखाए जब मेरा ये फोकस असिस्टेंट ऑन था जो भी चीज थी, तो यहाँ पे भी चेक लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी किस्म का डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। फिर टर्निंग फोकस असिस्टेंट ऑन और ऑफ, इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो हेल्प के जरिए यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। ओके तो अभी इसको हम यहाँ पर ही रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा कि डिस्प्ले की सेटिंग्स में काफी सारी सेटिंग्स थी जिसको अभी हमने समझा, फिर साउंड से रिलेटेड तो सिर्फ कमी था, लेकिन नोटिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सेटिंग्स हैं विंडोज 10 और विंडोज 11 में जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है एक बेहतर तरीके से विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने में। फाइनली फोकस असिस्टेंट के बारे में भी हमने जाना कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है, आप पढ़ भी सकते हैं। चूज विच नोटिफिकेशन यू वुड लाइक टू सी एंड हियर सो यू कैन स्टे फोकस्ड, द रेस्ट विल गो स्ट्रेट टू एक्शन सेंटर वेयर यू कैन सी देम एनी टाइम, ठीक है। तो इन चीजों को समझते हुए जब आप विंडोज 10 को यूज करेंगे तो विंडोज 10 आपके लिए काफी लाइट भी रहेगा और आपको जब भी उससे कोई प्रॉब्लम कोई चेंजेस करनी होगी तो आप इजीली जाके कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन एडजस्टमेंट हो गई, ब्राइटनेस की सेटिंग्स हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनको आप कर सकते हैं। ओवरऑल ब्राइटनेस की सेटिंग को आप यहाँ से भी बैटरी के इंडिकेटर पर क्लिक करके यहाँ से भी अपने लैपटॉप की बैटरी की परफॉर्मेंस वगैरह को सेट कर सकते हैं, और कुछ बटन्स लैपटॉप पर भी होते हैं जिससे हम ब्राइटनेस लैपटॉप की कम कर सकते हैं। जैसे मेरे लैपटॉप में फंक्शन की के साथ F8 की बटन से ब्राइटनेस कम होती है और F9 के बटन से ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ऐसे डेल के लैपटॉप में फंक्शन की के साथ अप एंड डाउन एरो हो सकते हैं, या कुछ ऐसे बटन होंगे जिन पे इस तरह के लाइट के कुछ सिंबल्स आ रहे होंगे बने हुए।